हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्लांट सेल का डायग्राम बनाना बता रहा हूँ। कैसे बनाते हैं डायग्राम, मैं आर एस प्रसाद सर। चलो देखते हैं आज प्लांट सेल को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक ये प्लेन पेपर ले लेते हैं और प्लेन पेपर पर ही हम सब कुछ बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी आउटर लाइन्स खींच लेते हैं। जरा क्या है आउटर लाइन्स, ये आउटर लाइन्स वास्तव में ये सेल वॉल है बच्चों। ये आपकी आउटर लाइन से बच्चों, जो कि सेल वॉल है। ये पूरा भर देना है, पूरा डार्क होता है बच्चों, इसको अच्छे से डायग्राम को थोड़ा सही से बनाना है। ये आपका डार्क हो चुका है, ऐसे ही यहाँ साइड्स में भी लेते हैं। साइड में भी ये डार्क होता है आपका, इतने वाला पोर्शन ये डार्क दिखाई दे रहा है आपको, तो ये डार्क कर दीजिए इसको भी। ये वाला पोर्शन आपका डार्क रहता है, इसको डार्क कर दीजिए। ये आपका डार्क हो गया है। अब सेल वॉल की इनर वॉल बनानी है इसके अंदर। चलिए बना के देखते हैं कैसे। पहले इधर का भी पूरा कर लेते हैं थोड़ा सही। ये इसका ये पोर्शन जो है ये आपका ये डार्क होता है, इसको डार्क कर देंगे आप। पेंसिल से मिला के डार्क कर देना बच्चों, इसको अच्छा सा दिखाई देगा। ये आपका डार्क हो चुका है देखो। ये प्लांट सेल की जो है सेल वॉल की संरचना बना रहे हैं हम लोग, सेल वॉल जो बनता है उसकी है। चलिए देखते हैं अब कैसे बनना है इसके आगे। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा था, इस जगह पर भी इसकी सेल वॉल है। ये आपको इतना सा ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सेल वॉल है, इसको सही से कर देना है आपको। ये आपको डार्क कर देना है इसको, ये डार्क हो जाएगा, डार्क ही रहता है बच्चे। ऐसे इस साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको डार्क कर देना है ये पोर्शन इतना। ये वाला पोर्शन डार्क कर देना है आपको। ये डार्क हो गया आपका। और इसके बाद बच्चों आप बीच में से एक वॉल्स की एकदम आउटर लाइन्स हम लेते हैं, जो सेल वॉल की आउटर लाइन्स होती हैं, इसको भी चलाना चालू कर रहा हूं मैं। ये आपको दिखाई दे रही है आउटर लाइन्स, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से सेल वॉल की। ये इनर वाली है ये बच्चों, ये क्या है, ये इनर है। ये अभी जो बनाया गया ये बच्चों सेल वॉल बनाई गई है, तो ये आपका जो दिखाई दे रही है ये सेल वॉल है।
ये सेल वॉल हो गई है। अब इसके बाद एक बीच में बड़ा सा दिखाई देता है, वॉक्यूल्स बनता है, ये वॉक्यूल्स बोलते हैं इसको। तो चलो पहले वॉक्यूल्स को बना लेते हैं, क्योंकि वॉक्यूल्स जो है ये पूरा बड़ा सा एरिया घेरे रहता है। इस बड़े से एरिया को देखते हैं जरा कैसे घिरे रहता है। ये आपका दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है बच्चों, ये वॉक्यूल्स है, मतलब ये इतना सा स्पेस रहता है इसके अंदर, बड़े बड़ा स्पेस रहता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं वॉक्यूल्स इसका। ये आपका वैक्यूल्स जो है बना रहे थे, मतलब बताया अभी आपको वैक्यूल्स। तो देखते हैं जरा इसको, वैक्यूल्स है इसका नाम, इसका यहाँ लिख देते हैं जरा वैक्यूल्स। ये है वैक्यूल। इसके बाद अब आते हैं बीच में कुछ और चीजें बनती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों यही दोहरी ये लाइन होती है इसकी, ये इनर वाला होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ। ये पतली सी झिल्ली जा रही थी बच्चों, ये आपकी क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट की तरह, क्लोरोप्लास्ट भी बना लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों ये बीच में होता है, इसमें कुछ छोटी छोटी संरचना होती है, ये ऐसी बनी होती है। तो ये आपका क्या हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। चलिए क्लोरोप्लास्ट हो गया, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं भरी हुई। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है जो सबको कंट्रोल कर लेता है बच्चों। देखते हैं इस न्यूक्लियस को भी बनाने का कोशिश करते हैं। ये न्यूक्लियस बना रहे हैं बच्चों, इसमें से बीच से देखो बनाने की कोशिश करना, ये बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बना हुआ रहता है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है बच्चों, देखो ध्यान से इसको, न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस आपका, ये आराम से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो इसको भी बना लेते हैं जरा, लिख लेते हैं इसका नाम भी, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है आपका। इसके बाद आगे देखते हैं बना करके, इसमें साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, ये बीच में बिंदी बिंदी करके साइटोप्लाज्म रहती है। तो चलिए ये जो बीच में भरा हुआ लिक्विड रहता है, ये साइटोप्लाज्म जिसमें सब तैरते हैं, ये है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बीच में माइटोकांड्रिया की तरफ बात कर लेते हैं जरा। माइटोकांड्रिया भी होती है इसमें बनी हुई। तो माइटोकांड्रिया दोनों में होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में होती है। जरा देखिए बना करके कैसे बनती है। ये ऐसे बन जाती है इसकी। तो ये क्या चीज है बच्चों, ये माइटोकांड्रिया है। तो इसको लिख लेते हैं हम। ये माइटोकांड्रिया हो गया। ये आपका माइटोकांड्रिया हो गया बच्चों, देखो ध्यान से। तो अब इसके बाद और भी चीजें बनानी है इसके अंदर, जो ये है आपका डिक्टोसोम्स होता है, जिसे गोल्गी बॉडीज कहते हैं। ये भी जरा बना लेते हैं हम कैसी होती है ये। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये यहां पर बनी हुई होती है, ये
इस आकार की होती हैं, ये लंबी लंबी होती हैं, थोड़ी पतली पतली। जी आपका क्या हो गया? ये गोल्गी, गोल्जी बॉडीज हैं बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम भी है डिक्टोसोम्स भी बोलते हैं इसको। तो दोनों नाम लिख देते हैं यहाँ पर। और दूसरा नाम आपका ये गोल्जी बॉडी, मैंने बोला गोल्जी बॉडीज बोलते हैं इसको। ये गोल्जी बॉडीज बोलते हैं उसको, ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं जरा। तो गोल्जी बॉडीज भी बन गई है, इसके बीच में और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको भी बनाते चलते हैं। ये राउंड शेप का है आपका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी कुछ ओवल टाइप का होता है। और यहाँ पर भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नाम इसका है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी। ENDOPLASMIC रेक्टिकुलम, RETICULUM रेक्टिकुलम हो गया बच्चों। और यहाँ पर एक दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इसको फिर से देख लीजिए, बनाकर दिखा दे रहा हूँ मैं। MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद और भी चीजें होती हैं, जरा बना देते हैं इसको भी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर भी एक आपका राउंड शेप में रहता है ये, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के रहते हैं जो कि आपको बनाने रहते हैं इसमें, क्योंकि इन स्ट्रक्चर को आप छोड़ नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे। ये सब बना हुआ होता है। चलिए और आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें हो गई हैं, लगभग लगभग तैयार हो गई हैं। छोट छोट चीज़ें और बची हुई हैं इसमें, आपको कसरत कंप्लीट करके कंप्लीट करना होता है आपको। और बीच में क्या है इसमें, कुछ बिंदी बिंदी टाइप की बना दीजिए इसमें, जैसे कि पूरा भरा हुआ दिखाई दे, लिक्विड आपको भरा हुआ दिखाई दे। ये सारा साइटोप्लाज्म जो बनाना होता है इसको बना करके दिखाना पड़ता है। ये है आपका, ये बिंदी बिंदी बना दीजिए इस तरह करके, जैसे कि पूरा जो है साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे कि हाँ ये भरा हुआ दिख रहा है। इस तरह से करके बिंदी बिंदी बना दीजिए इसमें खूब सारी। ये इस तरह से बिंदी बनानी भी जरूरी होती है, जिससे कि आपको साइटोप्लाज्म पूरे में भरा हुआ दिखाई दे और अच्छा लगे। ये भी बिंदी बिंदी इसके अंदर रहती है बच्चों, इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे आप अच्छी तरीके से। ये सब भरा हुआ दिखना चाहिए जिससे फिगर और अच्छी लगेगी। साइटोप्लाज्म जो होता है लिक्विड की फॉर्म में रहता है इसके अंदर, जो कि जिसमें सारे के सारे फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनता है ये। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लगभग लगभग पूरी हो रही हैं, बस केवल ये साइटोप्लाज्म को बनाना रह गया। ये बिंदी बना करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा करके आपको कंप्लीट करना है।
आई थिंक ये बनता हुआ आपको सही से दिख गया होगा। आप लोग भी ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी बना लीजिए इसको हल्का हल्का करके। ये सारा का सारा इसमें साइटोप्लाज्म से भर दीजिए इसको अच्छे से, तो ये थोड़ी सी फिगर अच्छी दिखाई देगी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा भरता हुआ, तो ये आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। और थोड़ा ध्यान से बनाना है बच्चों इसको, कि कोई चीज़ गड़बड़ ना होने पाए। इसमें हल्का फुल्का वैसे ही हल्के से लाइनें डाल सकते हैं इस तरह करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें बनती हुई दिख गई। इसमें क्या क्या थे इसके पार्ट्स एक बार सीधे देख लेते हैं। ये सबसे पहले सेल वॉल जो बाहर की तरफ दिखाई दे रही है आपको, ये मैंने डार्क करके बनाया हुआ है यहाँ पे हर एक जगह। तो ये सेल वॉल आई है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, ये दोहरी लेयर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपकी। और इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट है आपका पूरा। इतना बड़ा जो है दिखाई दे रहा शेप, ये जो इसके अंदर क्लोज है ये पूरा, ये सारा का सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। ये वैक्यूल्स हैं, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको सफेद रंग का, ये वैक्यूल्स हैं। इसके बाद ये पावर हाउस जिसको बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये। और यहाँ पर मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा दिखाई दे रही है इस जगह। और ये डिक्टोसोम्स है, ये जिसे गोल्जी बॉडीज कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिसमें तैर रहे हैं। और ये न्यूक्लियस है जो इसको कंट्रोल करके रखता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाना है। और ये फिगर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आपको दिख रही होगी कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है आपको। इस तरह से अगर बनाएंगे तो चित्र आपको बढ़िया ये। बाद में क्या है जो आउटलाइंस आपकी थोड़ी इधर उधर बिगड़ जाती हैं उनको आप सही कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इसको अगर सही करना चाहें तो इनको सही कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, ये फिगर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी आपको। ये थोड़ी सी चीज़ें जो आउटलाइंस बिगड़ रही होती हैं इनको आप सही कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम अगर बचा हुआ हो तो थोड़ा इसको बना दीजिए, थोड़ा सही से बनाइए इसको। ये इधर से थोड़ा सही कर दीजिए इसको, ये हल्का सा इधर करके, और इधर भी थोड़ा सा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप। लेकिन बाकी सब सही हो चुका है लगभग, ये आपको दिखाई देता है। इसको साफ करके थोड़ा सा बना दीजिए इसको। ये इस तरह से आप लोग अगर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा ये। और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान हो गया है बनाना अब आपके लिए। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन बनाएंगे आप लोग तो बहुत आराम से बनता है ये। और जितना धीरे धीरे बनाएंगे इसको उतना बढ़िया बनता है। और बड़ा कंसंट्रेशन करके बनाना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाई जाती है। और नीचे जो है आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे जरूर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों को चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का कि मेरे चैनल को इतना प्यार मिल रहा है। और आगे कोशिश करूँगा कि मैं बायो के चित्र ऐसे ही डालता रहूँगा और आप लोगों को कोशिश करूँगा कि कैसे चित्र बनते हैं वो भी आपको डालता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।